इसके बाद डिस्प्यूटेड अमाउंट एंड पेमेंट डिटेल्स का एक टैब है जो कि क्लिक करने पे अगला पेज पे नेविगेट होता है, वहाँ हम चलेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या है कि एक आपको बॉक्स दिखता है, जब इस पे आप क्लिक करते हैं डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑब्लिक पेमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पे एक टेबल खुल जाता है जिसमें अमाउंट अंडर डिस्प्यूट, ये टैक्स पेयर या अपीलार्थी को इसमें अपने अमाउंट को भरना है। तो जो भी आदेश डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल किया गया है और अपीलार्थी के हिसाब से अगर उसमें एडमिटेड टैक्स से अधिक उनको असेस कर दिया गया है या इनकरेक्टली असेस किया गया है और ये टैक्स अमाउंट जो अमाउंट इन डिस्प्यूट है ये किस एक्ट से संबंधित है, तो उस कैटेगरी में उनको वो राशि भरनी होगी। इस संबंधित केस में जो आपके स्क्रीन पर है, इसमें IGST में हमने एक डमी अमाउंट ₹50 डाल रखा है कि इसमें ₹50 डिस्प्यूटेड अमाउंट है जो टैक्स अमाउंट है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अमाउंट इन ऑफ डिस्प्यूट जो है ये भरा तो जाना है सब में, लेकिन जो प्री डिपॉजिट की राशि है वो सिर्फ टैक्स के लिए कैलकुलेट की जाती है, ना कि इंटरेस्ट पेनल्टी और फी के लिए। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है प्री डिपॉजिट जमा करने। तो इस केस में हम देखें कि ₹50 डाला गया है, तो जो अमाउंट क्रिएटेड और एडमिटेड ₹75 है। और अगले स्क्रीन पे चलते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर जो है वो प्री डिपॉजिट में ₹5 दिखाया जा रहा है जो कि 10% है ₹50 का। तो ये अमाउंट को का भुगतान वहीं उसी स्क्रीन से यूटिलाइज ITC कैश के बटन से करना है। अब जब आप इसे क्लिक करेंगे, जब इसे क्लिक किया जाता है तो ये आपको नेविगेट कराता है आपके लेजर पे कि क्या आप कैश से पेमेंट करेंगे, आपका कैश लेजर का बैलेंस दिखलाता है प्लस आपका ITC लेजर का भी बैलेंस दिखलाता है। अब ये आपको डिसाइड करना है, जो भी अपीलार्थी हैं उन्हें डिसाइड करना है कि ये 10% की राशि वो किस हेड से एडजस्ट करना चाहिए। अगर वो कैश से एडजस्ट करना चाहते हैं तो कैश से करें, अगर अवेलेबल बैलेंस दोनों में उनको दिखाया जाता है। जैसे ही ये राशि को भर दिया जाता है तो एक नीचे का बटन है सेट ऑफ, सेट ऑफ करने पर एक मैसेज आता है कि यू आर यूटिलाइजिंग कैश ऑफ ₹60 एंड ITC ऑफ ₹0 व्हाटसोएवर में भी। आप पूरी राशि का भी भुगतान कर सकते हैं या प्री डिपॉजिट राशि का भी भुगतान कर सकते हैं। सिस्टम की बाध्यता है कि वो प्री डिपॉजिट की राशि को चेक करता है कि क्या ये 10% जमा किए हैं कि नहीं। आप 10% से अधिक भी जमा कर सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जो कि हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे पेनल्टी ऑर्डर्स होते हैं, तो अगर पेनल्टी से रिलेटेड अमाउंट है तो सिस्टम में प्री टैक्स अमाउंट में आप जब 0 भरिएगा तो सिस्टम आपको कभी नहीं रोकेगा, आप अपील का आवेदन दाखिल कर सकते हैं। टैक्स अमाउंट, क्योंकि प्री डिपॉजिट की राशि सिर्फ टैक्स अमाउंट के लिए लागू होती है, बाकी हेड्स के लिए नहीं लागू होती है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो दूसरे फील्ड्स हो। तो ये मैसेज आता है आपको कि यू आर यूटिलाइजिंग कैश, ये मैसेज जैसे ही आया इसके बाद सिस्टम आपको नेविगेट करके उसी पेज पे ले जाता है जहाँ पे आपने आवेदन भरा था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही अपीलार्थी या करदाता द्वारा प्री डिपॉजिट की राशि को जमा कर दिया जाता है और सिस्टम में ये जैसे ही फ्लैग हो गया, तो ये जो अमाउंट है टैक्स लाइबिलिटी लेजर में ये रिकवरी के लिए नहीं अवेलेबल रहता है, इस पे फ्लैग लग जाता है कि अपील एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड। तो ये अपील में 10% प्री डिपॉजिट करते के साथ ये हो जाता है, ये फ्लैगिंग हो जाता है आपके लाइबिलिटी लेजर पे। जैसे ही आपका आवेदन सबमिट हो जाता है तो ये फ्लैग आपको सिस्टम के द्वारा कर दिया जाता है, जो कि अपील जब तक उस अपील से संबंधित मामले का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है अपीलेट अथॉरिटी द्वारा, तब तक ये राशि जो है फ्लैग्ड रहती है और रिकवरी के योग्य नहीं रहती है, इस पे स्टे लग जाता है। इसके बाद
के कॉलम में जैसे है कि अपलोड द एनेक्सर्स टू FL01, तो यहाँ फाइल है, इसको डाउनलोड करने का फंक्शनलिटी है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एनेक्सर और उसे भरकर आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस का भी फील्ड्स बहुत सारा है, तो यहाँ एक बात और बता देना उचित है कि आप अपने अपील के आवेदन के साथ साथ 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, हर का कैपेसिटी 5 MB ईच है, तो 20 MB तक के डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर सकते हैं। इस दौरान हेल्प डेस्क में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि मेरे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, हम कैसे जाएं। तो मैंने शुरू में बताया वेबिनार में कि आप जब आवेदन दाखिल कर रहे हैं, जो भी अपीलार्थी आवेदन दाखिल कर रहा है, तो आवेदन के साथ जो आवश्यक चीज़ें हैं उसे तो अपलोड कर ही दें। इसके अतिरिक्त उनको अगर लगता है कि ये साइटेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये रूलिंग्स हैं, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट है जो कि इस मामले में मेरा पक्ष को और मजबूत करते हैं, तो वैसे सारे तथ्यों को ले जाकर आप अपलेट अथॉरिटी के समक्ष 7 दिनों के अंदर सबमिट कर सकते हैं और वो रिकॉर्ड का पार्ट होता है। तो आपने इस मामले में देखा कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है और इसके बाद वेरिफिकेशन पार्ट आता है। वेरिफिकेशन में एक डिक्लेरेशन है और ऑथराइज सिग्नेटरी का स्क्रीन है जिसमें ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी हैं उस GST से संबंधित वो इसको साइन करेंगे। कंपनी के केस में DSE लगाना अनिवार्य है, कंपनी LLP के केस में, और अदर देन कंपनीज में आप EBC से फाइल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो कि रजिस्टर्ड रजिस्टर ऑथराइज सिग्नेटरी के मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाता है और OTP के जरिए आप फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में OTP गया और इन्होंने इसे फाइल कर दिया।